हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजिएस्ट वे आज हम अटामिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग फ्रॉम जून 2015 एग्जामिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म सिंबल्स ऑफ द एन पी टू अटामिक कॉन्फिगरेशन वन एस जीरो थ्री पी जीरो थ्री पी वन थ्री पी टू एंड वन डी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राउंड स्टेट तो आपको यहाँ पे जो कॉन्फिगरेशन गिवन है वो है एन पी टू सो so, हम NP2 के लिए देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली बी रिप्रेजेंटेड एज अः आप पी बना सकते हैं यहाँ पर और इसमें देखिए आपके पास तीन सबसेल्स होंगी जिनमें से दो में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए गए हैं सो so, हमें यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी है तो so, इससे पहले के वीडियोज में मैं अपलोड कर सक कर चुकी हूँ अबाउट द हंट रूल रूल जो है वो ग्राउंड स्टेट के बारे में बताता है तो जब भी एनपी टू की हम बात करें इन दैट कंडीशन ये हमारे पास जो सिचुएशन है इसमें कंप्लीट जो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हाफ फिल्ड होगा थ्री के, के केस में सो दिस इज अ केस ऑफ लेस देन हाफ फिल्ड तो यहां से देखिए जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए तो हम यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे प्लस वन ज़ीरो एंड माइनस वन सो जो एल वैल्यू होगी दैट विल बी सिग्मा एम एल एंड इट्स इक्वल्स टू वन प्लस जीरो सो इट्स इक्वल्स टू वन एंड एस वैल्यू होगी सिग्मा एम एस दैट इज टू इन टू वन बाई टू एंड इट्स गोइंग टू बी वन एल और एस दोनों वन है तो जे की वैल्यू पॉसिबल होंगी जीरो वन एंड टू दैट विल बी फ्रॉम एल प्लस एस टू एल माइनस एस तो जीरो वन टू तीन वैल्यूज पॉसिबल है यानी यहाँ से जो टर्म स्टेट्स हमारी बन सकती है मल्टीप्लिसिटी हम देखें तो टू एस प्लस वन होगी दैट इज टू इन टू वन प्लस वन इट्स थ्री और एल वैल्यू वन है तो हमारे पास थ्री पी जीरो वन टू तीन स्टेट्स यहाँ पर पॉसिबल होगी थ्री पी नॉट थ्री पी वन एंड थ्री पी टू अब इसमें ध्यान से देखिए जो हमारे पास लेस देन हाफ फिल्ड होता है उस केस में जो लोअर uh, वैल्यू होती है जे की दैट विल हैव द लोवेस्ट एनर्जी याद रखेगा हाफ के केस में आपकी जो सबसे लोवेस्ट जे वैल्यू होगी दैट विल बी हैविंग द लोवेस्ट एनर्जी तो यहां पे सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी होगी वो थ्री पी नॉट की होगी देन थ्री पी वन की होगी देन थ्री पी टू तो की होगी तो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म यहाँ पर होगी थ्री पी नॉट सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हेयर तो ऐसे पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा हंड्स रूल को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा पुराने वीडियोज़ जो है इस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस कंसेप्ट को अब यहाँ देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज वाइब्रेशनल स्टेट्स विद एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी दे है एच का टोमेगा एंड वी प्लस हाफ फियर वी इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एंड रोटेशनल एनर्जी दे रखिए ई जे बीजे प्लस प्लस वन फेयर वी एंड जे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्वांटम नंबर सही है कंसिडर द ट्रांजिशन इन विच वो द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू वी लेस देन इक्वल टू वन एंड जे लेस दैन इक्वल्स टू टू एंड सब्जेक्टेड टू द सिलेक्शन रूल डेल्टा वी प्लस माइनस वन एंड डेल्टा जे

टोमिक फिजिक्स अभी तक रिवाइज कर दिया कर लिया होगा तो v की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है तो v and one, and j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टू है तो जीरो वन टू j की सारी पॉसिबल वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल रही है तो हमारे पास जो सिलेक्शन रूल है डेल्टा v है प्लस माइनस वन एंड डेल्टा j वी आर हैविंग प्लस माइनस वन सो वॉट आर द ट्रांजिशन पॉसिबल हे अभी देखिए यहाँ पे v का जो ट्रांजिशन है प्लस माइनस वन होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि v जो है वो जीरो से वन में ट्रांजिशन करेगा देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी तभी मैक्सिमम एनर्जी आपको मिलेगी और एक ही पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम की भी बात करें हम और इसके करेस्पॉन्डिंग जे का ट्रांजिशन पॉसिबल है कि जीरो से वन में जे का ट्रांजिशन हो और जे का ट्रांजिशन वन से जे इक्वल्स टू टू में हो तो अभी हमें भी बताया कि मैक्सिमम ट्रांजिशन अलाउड होगा मैक्सिमम एनर्जी वाला जो वन से टू में हो रहा होगा क्योंकि एनर्जी जे के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली तो ये वाला और ये वाला सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी देगा आपको आप चाहें तो यहां पर एनर्जी डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं सो so, एनर्जी जो आएगी यहां से वी क्वस्ट टू जीरो से वन के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा ई कैन बी रिटर्न हेयर एज कट ओमेगा एंड वन प्लस वन बाई टू एंड माइनस ये वाइब्रेशन के लिए लिख रहे हैं हम ना माइनस एच का उमेगा ज़ीरो प्लस वन बाई टू तो जीरो से वन का जो ट्रांजिशन है वो कितना हो जाएगा यहाँ से आएगा थ्री बाई टू एच कट ओमेगा और यहाँ से आ जाएगा हाफ एच का उमेगा सो इट्स इक्वल्स टू एच का उमेगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी का डिफरेंस आ गया एच का उमेगा और रोटेशनल एनर्जी का डिफरेंस हम यहाँ पर देख लेंगे इट्स गोइंग टू बी बी जे जे प्लस वन है ना तो जे टू है यहाँ पर तो बी इंटू टू टू प्लस वन माइनस बी इंटू वन एंड वन प्लस वन तो यहाँ से आ गया आपके पास सिक्स बी और यहाँ से आ गया टू बी दैन इट इज़ फोर बी तो जो टोटल एनर्जी डिफरेंस मिलेगा हमें यहाँ से वो होगा एच का उमेगा प्लस फोर बी दैट इज़ हैविंग डेल्टा ई वी प्लस डेल्टा ई जे तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस होगा एच का उमेगा प्लस फोर बी सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन और एक क्वेश्चन और है जून टू थाउजेंड फिफ्टीन में जो पी डी एफ में नहीं है सो आई विल अपलोड दैट वन सेकेंड